अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका कि आप अभी तक की वीडियोस देख रहे हैं। ये मेरी तीसरी वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। आगे करने के लिए हमको सबसे पहले इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से दुनिया में अपॉर्चुनिटी को समझना पड़ेगा कि हमारी दुनिया में इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। हमारे एक स्टडी के हिसाब से 7 बेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो इस वक्त डेवलप हो रही हैं, वैसे तो तकरीबन 49 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहा जा रहा है इस वक्त, लेकिन उसमें से 7 ऐसी हैं जो कि अक्रॉस सेक्टर्स एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली हैं, और वो 7 टेक्नोलॉजीज़ मिल के तकरीबन $50 ट्रिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने वाली हैं, और पाकिस्तान को इस इकॉनमी के अंदर अपना हिस्सा हासिल करना है। अगर पाकिस्तान ने नहीं किया तो जैसे हम इंडस्ट्रियल एज में पीछे रह गए, हम इस नॉलेज एज के अंदर भी पीछे रह जाएंगे। तो ये एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि इस नॉलेज इकॉनमी के अंदर, इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हम एक अपना फेयर शेयर हासिल करें। अब फेयर शेयर हम कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, दो एसेट्स हैं पाकिस्तान के पास जिनको हम इस्तेमाल करके इस फेयर शेयर को यकीनी बना सकते हैं। एक नंबर वन, हमारी यूथ पॉपुलेशन। पाकिस्तान की 68% पॉपुलेशन, तकरीबन 150 मिलियन लोग यंग हैं, यानी अंडर 30 हैं। दैट्स अ ह्यूज एसेट। इसको अगर हम सही रास्ते के ऊपर डालें और अगर इसको हम किसी तरह इंगेज कर लें इस काम के अंदर, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। प्रॉब्लम क्या है कि इनमें से ज़्यादातर के पास एक्सपोजर नहीं है दुनिया का, उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजीज़ कैसे इस्तेमाल होंगी, कहाँ इस्तेमाल होंगी। उसके लिए उनको जो एक्सपर्टीज़ चाहिए वो पाकिस्तान का दूसरा एसेट है, वो है आप लोग। 8 मिलियन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर अपना लोहा मनवा चुके हैं, ऑलरेडी दूसरे मुल्कों में जाके काम कर चुके हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और वो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, यानी स्टूडेंट्स को और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, और एक उनको सिस्टम प्रोवाइड कर दें जिस सिस्टम के अंदर वो इन कंपनीज़ को बढ़ा सकें, आगे चला सकें, तो कोई वजह नहीं है कि हमारी सक्सेसफुल वेंचर्स ग्लोबल स्टेज के ऊपर ना आ सकें। तो ये हमारा अब जो फ्यूचर का जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट वी आर कॉलिंग इट पाकिस्तान 100, 100 टेक्नोलॉजी कंपनीज़ पाकिस्तान से निकल के ग्लोबल स्टेज के ऊपर आएँ, ग्लोबली स्केल करें। और इसके अंदर हम फोकस उन्हीं कंपनीज़ के ऊपर करेंगे जो ग्लोबली स्केलेबल हैं, जो आइडियाज़ ग्लोबली स्केलेबल हैं, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिजिनस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इंडिजिनस मार्केट डिमांड को एड्रेस करें और वहाँ से फिर ग्रो करें ग्लोबल लेवल के ऊपर। ये हम करने जा रहे हैं और इसको करने के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं, इसको करने में जो है वो मुल्क का बेनिफिट भी है, और हम चाहते ये हैं कि सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिल के इस काम को करें। तो लिहाजा मैं जो अगली मेरी वीडियो है, मैं उसके अंदर आपके साथ शेयर करूँगा कि आप लोग कैसे इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मिल के काम कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तक वॉच करने का, और अगली वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। शुक्रिया।